दिल्ली एवं हरियाणा जैसे अन्य प्रदेशों से फंसे हुए मजदूरों का यूपी में प्रवेश का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए सभी अपने द्वारा अपने बचाव के साधन जुटा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता के लिए कई संदेश दिए। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी महामारी से बचने के लिए एक प्रतिक्रिया लॉकडाउन, जो भारत की जनता के हित में लिया गया फैसला था। उसी बीच फंसे हुए वह मजदूर जो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते थे, उनके लिए एक संकट की घड़ी पैदा हो गई है। ये सभी अपने गांव के जाने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने 4,000 की साइकिल खरीदी, उस पर अपने बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर के लिए निकले। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसी कला यूपी बॉर्डर पर ऐसे हजारों मजदूर आए जिन्हें कोसी कला के अनाज मंडी में ठहराया गया। इस बीच नायब तहसीलदार छाता राखी शर्मा ने सभी मजदूरों को अलग अलग स्थानों पर बैठाया। उन मजदूरों में छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुषों की संख्या करीब 1,000 थी। उन सभी का खाने पीने का ध्यान नायब तहसीलदार राखी शर्मा द्वारा किया गया और सभी को सोशल डिस्टेंस के बारे में समझाते हुए नजर आई। वहीं पर डॉक्टर्स की टीम सभी मजदूरों का चेकअप कर रही थी। जब हमने नायब तहसीलदार छाता राखी शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि जब से ये मजदूर आए हैं मैं यहाँ पर हूँ और सभी की व्यवस्था मेरे द्वारा अच्छी की जा रही है। कोई भी मजदूर भूखा ना रह जाए, प्यासा ना रहे और धूप से इनके बचाव के लिए इनका बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इनका चेकअप होगा, चेकअप के बाद इनको इनके घर तक पहुँचाने के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी मजदूरों को इनके घर तक पहुँचाया जाएगा। इनमें जो मजदूर साइकिल से अपने घर जा रहे हैं उनको भी बस द्वारा भेजा जाएगा और इनको कोई भी परेशानी ना हो, इसका हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। ये सिलसिला अभी लगातार चल रहा है और हम तहसील की तरफ से इन सभी के खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ समाज सेवी भी हमें सहयोग दे रहे हैं। मंडी में पाए हो, काफ़ी मजदूर यहाँ पे आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? ये एक्चुअली हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो ये मोस्टली हरियाणा से आ रहे हैं। ये इन्होंने पगडंडियों के सारे, क्योंकि बॉर्डर तो सील्ड है तो ये पगडंडियों के या दाएं बाएं से कैसे भी करके आ गए, तो हम पुलिस और प्रशासन मिलके यहाँ पे हम लोगों ने इनको इकट्ठा कर लिया। इनका सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, लिस्टिंग बना रहे हैं और उसके बेसिस पर जिले पे भेजेंगे और इनके जाने की व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पर खाने पीने की क्या अरेंजमेंट किया गया यहाँ पे? खाने पीने की व्यवस्था इनकी तहसील के माध्यम से हो रही है। कुछ समाज सेवी संस्थाएँ हैं, उन्होंने भी हमको अप्रोच किया है, हमने उनको परमिट कर दिया, उनकी भी हेल्प ले रहे हैं। बाकी इनका खाने की पानी की फुल व्यवस्था की जा रही है। लगभग कितने यहाँ पे मजदूर लोग इकट्ठा हुए हैं? ऐसा है, अभी तो ये लिस्टिंग चल रही है, फाइनल नंबर आएगा तब बताएंगे हम आपको, लेकिन ऐसा गया से लगभग 1,000 लोग होने चाहिए। तो क्या ये मतलब आज ही आए हैं या अभी आ रहे हैं और जा रहे हैं? आज ही आए हैं। अच्छा। ये आज ही आए हैं यहाँ पर। ये कंटिन्यूसली ये वो लोग हैं जो बॉर्डर किसी भी तरीके से क्रॉस करके आ गए हैं, क्योंकि जियो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है ये कि इन लोगों को प्रशासन अच्छी तरीके से इनकी देख रेख करे और इनका मेडिकल चेकअप वगैरह करा के, इनकी प्रॉपर लिस्टिंग करा के, इनको प्रॉपर इनकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाया जाए, उसी का पूरी ये कार्रवाई चल रही है। जैसे कुछ लोग साइकिल से आए तो उनकी मतलब वो क्या अपनी साइकिलों से जाएंगे या नहीं? साइकिल से नहीं जाएंगे, उनके लिए ये लिस्टिंग के बेसिस पर हम ये बताएंगे कि कितने लोग मान लीजिए इटावा के या कानपुर के हैं, उनके लिए प्रॉपर बसेस का अरेंजमेंट करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम इनको वहाँ पर पहुँचाया जाए। अभी तो हम ये पता कर रहे हैं कि किस जिले के कितने व्यक्ति हैं, तो कितनी बसेज हमें अरेंज करनी है और उनका मेडिकल चेकअप पूरा हो जाए तब तक और इनका खाने पीने की व्यवस्था हम तब तक पूरा अपने ध्यान रख रहे हैं और ठीक चल रहा है।